लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार क्यों हुई, इसको लेकर समीक्षा की गई। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भीतरघात और अफसरशाही की वजह से इतनी करारी हार बीजेपी को यूपी में मिली है। लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित शिकस्त को लेकर शुक्रवार को बीजेपी की कोर कमेटी की एक बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में उन सीटों का विश्लेषण किया गया जहां पार्टी को शिकस्त मिली है। यूपी कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट भी रखी गई, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में अफसरशाही के द्वारा जनता व कार्यकर्ताओं के साथ किया गया व्यवहार व अफसरों के भीतर घात करने का जिक्र भी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को यह रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में हार के कई कारण बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश की हार से बीजेपी सबक सीखती नजर नहीं आ रही है। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, न दलित वोटों को सहेजने की चिंता नजर आती है और न ही सवर्ण वोटों के लिए पार्टी कुछ करती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी पारी चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ सरकार बचाए रखने की चुनौती है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत में लाने और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने का यत्न करना है। पर नए मंत्रिमंडल में जिस तरह विभाग बांटे गए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि पार्टी भविष्य के चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की हार से मिले सबक को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार का जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो है पार्टी को दलित वोट न मिलना। ये बीजेपी के लिए आज सबसे बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए था, पर कहीं से भी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित नजर नहीं आ रही है। इसी तरह बीजेपी के अन्य कोर वोटर्स को लेकर भी कैजुअल अप्रोच दिखाई दे रहा है, जो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। बीजेपी को दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को बचाने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता है। क्या बीजेपी के पास पीडीए का कोई काउंटर जवाब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।